हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका डीके स्टिचिंग टिप्स में। तो कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में मैं शेयर करूंगी यूजफुल टिप्स। और फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, न्यू है मेरे चैनल पर, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये सलवार है, इसकी मैंने कटिंग कर ली है। और ये इसकी यहाँ से जो ये हमारे पल्ले होते हैं सलवार में, ये पल्ले हैं यहाँ तक हमारे, ये देखिए यहाँ पर ये मैंने स्टिच किया हुआ है, ठीक है। ये हमारे पल्ले हैं और ये हमारे कलियाँ हैं सलवार की, ठीक है। तो क्या होता है इसमें, जो जिन लेडीजों के पेट बड़े होते हैं उनको बहुत दिक्कत आती है इस तरीके से, जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा कि आज मैं कौन सी यूजफुल टिप्स आपको बताने वाली हूँ। तो उसमें देखिए हमने क्या करना है, ठीक है। क्या होता है कि जो हमारी सलवार है यहाँ से, ये देखिए यहाँ से ये पोंछे के ऊपर गिरने लगती है, ठीक है। तो फिर इस तरीके से हमारी सलवार का लुक अच्छा नहीं आता है और हमारी सलवार बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करें, उसी का सोल्यूशन मैं आज आपको बताऊंगी। तो हमने क्या करना है, ठीक है। तो ये देखिए सलवार मैंने यहाँ पर इस तरीके से रख ली है, ये देखिए यहाँ पर ये सेंटर में करके मैंने ये इसको रखा है। देखिए पल्ले, ये पल्ले को इस तरीके से इसका सेंटर निकाल लिया है और ये हमारी कलियां हैं इस साइड। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से हमने रख लेना है सलवार को। और उसके बाद क्या करना है, इसमें कोई वो दिक्कत नहीं है, बस इसमें हमने क्या करना है, ये देखिए एक इंच या आप डेढ़ इंच भी ले सकते हैं। अगर किसी लेडी का ज़्यादा ही बड़ा पेट है, उनको ज़्यादा ही दिक्कत होती है कि उनकी सलवार आगे की तरफ गिरती है ज़्यादा, तो वहाँ पर हम डेढ़ इंच पर ये मार्क लगा सकते हैं, लेकिन मैं ये एक इंच पर लगा रही हूँ। ये देखिए इस तरीके से एक इंच पर हमने मार्क लगाना है और ये इस तरीके से तिरछा इसको कटिंग कर देंगे। देखिए यहाँ से ये ऐसे इस तरीके से, ठीक है। ये देखिए बस कुछ भी नहीं है इसमें, बस यही आपके साथ टिप्स मैंने शेयर करनी थी, क्योंकि बहुत से लोगों को दिक्कत होती है कि हमारी सलवार अच्छी नहीं लगती है, आगे की तरफ गिरती है पोंछे के ऊपर, और पोंछे हमारे जैसे बिल्कुल भी दिखते नहीं है, तो अच्छी नहीं लगती है हमारी सलवार, ठीक है। अगर ये आप इस तरीके से यहाँ पर ये कटिंग डाल लेंगे अपनी सलवार में, तो आपकी सलवार का लुक बहुत अच्छा आएगा, ठीक है। ये देखिए ये यहाँ से मैं इसको ये कटिंग करके आपको बता देती हूँ। ये देखिए इस तरीके से हमने इसकी कटिंग कर देनी है, ठीक है। अब जो ये वाली जो सेंटर में हमारी सलवार है यहीं से गिरती है, और अब ये हमारी सलवार पोंछे पर बिल्कुल भी नहीं गिरेगी। और अगर हम ये करते हैं, जैसे कि सलवार की हम लेंथ घटाते हैं, ठीक है ना, कि हमारी सलवार लंबी है कि जो पोंछे पर गिरती है, तो उसमें वो लंबी के कारण नहीं गिरती है हमारी सलवार, वो सलवार हमारी गिरती है अगर पेट हमारा बड़ा है तभी हमारी सलवार गिरती है, ठीक है। वैसे सभी को ये दिक्कत नहीं आती है, तो उसके लिए हमने ये इस तरीके से ये ट्रिक यूज करनी है। और अगर हम सलवार की लेंथ को कम कर देते हैं, तो हमारी सलवार जो पीछे से, ये देखिए यहां से उठेगी, अगर हम सलवार की लेंथ को घटा देंगे तो यहां से हमारी सलवार उठेगी, तब भी हमारी सलवार अच्छी नहीं लगेगी, ठीक है। लेंथ को हमने उतना ही रखना है, लेंथ को नहीं घटाना है सलवार की लेंथ को, बस हमने ये वाली टिप्स यूज कर लेनी है, हमारी सलवार बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार होगी, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में इसी तरीके की नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।